कार्ज करांगे पर करदा कोई नहीं। जदों अपने हक लैने होण तां कौम नूं ही तहिया करना पैंदा। इन्हां बंदी सिंघां दा कोई अपना कोई मनोरथ नहीं सी कि जेलां विच जांदे, क्योंकि जिस दिन चमकौर दी गढ़ी दे विच जंग होया, बाबा अजीत सिंह जी साहिबजादा अजीत सिंह जी शहीदी प्राप्त कर गए, फिर बाबा जुझार सिंह जी ने आग्या मंगी कलगीधर पातशाह तो, कहिंदे महाराज कृपा करो मैनू भी आग्या देवो, मैं जूझा जाके जंग दे विच। भाई दया सिंह जी हुरी भाई धर्म सिंह जी हुरी कहिंदे तुसीं अजे उम्र छोटी आ, लड़ना नहीं आना तुहानू, लड़िया नहीं जाना। वह कहिंदे लड़ना नहीं आता तो मरना तो आता। कहिंदे मरना तो जानते हाँ, इस जज्बे नूं देख के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन किए सी। कहिंदे साहिबजादा जुझार सिंह अज तू आग्या मंगी आ कौम तो जूझण वास्ते, धर्म तो जूझण वास्ते। जिस दिन पंथ ते भीड़ पवेगी, कौम ते भीड़ पवेगी, कौम दे परवाने अपने आप तैयार होया करनगे। किन्ना जुल्म होया सन 90 तो लैके 88 तो लैके 92 93 तक आ गुरदासपुर इलाके दे विच 20-20 साल 25-25 साल बरातां नहीं चढ़िया। परवान दे परिवार नौजवान 17 साल तो लैके 20-25 साल दे उन्हां नौजवानां नूं को के शहीद किया गया। उस जुल्म का बदला लैण वास्ते इन्हां कौमी परवानियां ने अपनियां जिंदगानियां 18-20 साल की उम्र तो लैके अज 30-30 साल हो गए, किसी नूं 17 साल 27 साल, कोई ना 2 दिन जेल विच रह के आवे, कंधां वड़-वड़ खांदियां ने। इन्हां कौमी परवानियां ने अपनियां सारियां जिंदगियां, कईयां दे दाड़े नहीं सी आए, अज दाड़े चिट्टे हो गए। पर प्यारिओ अज लोड़ आ, संघर्ष तां जित्तिया जांदा जदों एकता दा सबूत देवांगे। मैं संगतां नूं बेनती करांगा उन्हां कौमी परवानियां दी रिहाई लई समुचियां संगतां तहैया करिए, जिवें दिल्ली दे विच किसानी मोर्चा जित्तिया ना, सारियां संगतां ने साथ दित्ता। उत्थे लोकां ने पूरे पंजाब की बाहर देशां विदेशां दीआं संगतां ने अज उसे ही तरह तहैया करिए, एकता दे नाल इस इनसाफ मोर्चे का साथ दे के उन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई यकीनी बनाई जावे। सरकारां दे कन्ना तक जू नहीं सरकदी जिन्ना चिर इकट्ठे नहीं हुंदे। सरकारां बनाईयां भी आपां ही ने, इनसाफ भी आपां ही लैणा। सो मैं समुचियां संगतां दा धन्नवाद करदा, समुचियां जथेबंदियां जिहड़ियां इस किसान मोर इस कौमी इनसाफ मोर्चे दे विच पहुंचियां ने, बाबा दलेर सिंह जी खालसा खेड़ी वाले। सो उन्हां दा समुचा जथा संगतां दे नाल इस कौमी इनसाफ मोर्चे दे विच शमूलीयत की आ। ते बाबा जी ने भी आना 17 तरीक नूं होर संगतां दे नाल काफले दे रूप दे विच पहुंचांगे। महापुरख पहलां तो लैके जदों तो गुरमत दा प्रचार करदे आ रहे ने, नाल नाल समाज भलाई दे कारजां दे नाल जिन्हें भी मोर्चे लगे ने, उन्हां मोर्चियां दे विच हर एक मोर्चे दे विच उन्हां ने अपना फर्ज समझदे होए शमूलीयत की आ। सो मैं ये भी बेनती करांगा समुचे प्रबंधकां नूं कि तुसी एकजुटता दे नाल जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अगवाई दे विच मोर्चा लगे आ, इस तरह चढ़दी कला रखनी अपनी, किसी दे अगे झुकना नहीं। प्यारिओ संगत साथ दिंदी आ, जदों आपां चढ़दी कला दे नाल तुरदे आ, कौम नूं समर्पित हो के गुरु नूं समर्पित हो के तुरदे आ। ढाडी जथे ने कविता पढ़ी सी, खंडे तेग विच्चों पैदा होया गात्रे च तेग रखे, बाटे च रगड़ पीता खंडा तेरे खालसे, दिल विच प्यार तेरे नैणा च अकाल वसे, कढ दिता जालमां दा कंडा तेरे खालसे। अखीर ते जिहड़ी लाइन पढ़ी सी, कहिंदे भांबड़ जुल्म वाले मचदे सी जग उत्ते,
ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵੱਜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਹੱਈਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਧ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋੜਨੀ